वेलकम टू टीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट में सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर फोर, जिसका नाम है द कीबोर्ड। तो आज हम इस चैप्टर में पूरा कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी यूज अ पेंसिल और अ पेन टू राइट इन अवर नोटबुक। हम क्या करते हैं, कॉपी में लिखने के लिए पेंसिल एंड पेन का यूज करते हैं। इन द सेम वे वी यूज अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन द कंप्यूटर, उसी तरीके से हम कंप्यूटर में टाइप करने के लिए किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। सो वी हैव द प्रेस द की, क्या करते हैं, हमें कंप्यूटर में टाइप करने के लिए क्या करना, कीबोर्ड को प्रेस यानी दबाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका कीबोर्ड बना है। कीबोर्ड में क्या है, ये आपकी फंक्शन की है, यह आपकी अल्फाबेट्स की है, ये न्यूमेरिक की है, एंड ये नीचे कैप्स लॉक दिया है, स्पेस की बार की दिया हुआ है, इंटर की दिया है, बैक स्पेस दिया है। फंक्शन की मींस क्या होता है, F1, F2, F3, F से लेकर के F12 तक दिया रहा तो आपकी फंक्शन की होती है, एंड अल्फाबेट्स A से लेकर Z तक दिया रहा तो अल्फाबेट्स की होती है, एंड नंबर दिया रहता है 0 से लेकर 9 तक वो आपके न्यूमेरिक की होती है। देन कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक में आपका जो अल्फाबेट्स होता है तो अल्फाबेट्स आपका स्मॉल एंड कैपिटल लेटर होता है। इससे स्पेस बार की से किसी भी शब्दों यानी वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, स्पेस बार की का यूज करते हैं, एंड इंटर की है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटर की का यूज करते हैं, एंड बैक स्पेस यानी पीछे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। फिर आते हैं देखिए अल्फाबेट्स की क्या होता है, अल्फाबेट्स की आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, दीज आर फ्रॉम ए टू जेड, यानी अल्फाबेट्स की का हम किसमें यूज करते हैं, टाइपिंग वर्ड्स यानी किसी भी वर्ड्स को टाइपिंग करने के लिए एंड सेंटेंस टाइप करने के लिए। इसमें कौन कौन सी बटन होती है, ए से लेकर जेड तक होती है। देन नेक्स्ट में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ आई प्रेस लेटर ऑफ माई नेम TARUN मीन्स क्या हो गया, तरुण ऑन द कीबोर्ड, ये देखिए दिख रहा है तरुण आपको, तो इस तरीके से तरुण विल अपियर ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। फिर न्यूमेरिक की है, न्यूमेरिक की क्या होता है, न्यूमेरिक की आर यूज टू टाइप नंबर, फॉर एग्जाम्पल योर एज, वी फाइंड देम एट टू प्लेस ऑन द कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिक की में क्या होता है, हम कोई भी चीज को जोड़ सकते हैं, जैसे हम अपनी एज निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अब उसमें हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं एंड माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, स्पेस बार की, क्या दिया है, स्पेस बार की दिया हुआ है। स्पेस बार की हेल्प अस टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का काम आता है। इट इज द लॉन्गेस्ट कीज ऑन द कीबोर्ड, ये बहुत लंबी की होती है कीबोर्ड में। देन नेक्स्ट में आते हैं स्पेस, बैक स्पेस की है, तो बैक स्पेस कीज हेल्प अस टू इरेज द लेटर ऑन बाय वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस होता है, तो बैक स्पेस क्या करता है, हमारे लेटर्स को इरेज करते हैं, यानी कोई भी चीज आप लिखे अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको बैक स्पेस करके आप उसको इरेज कर सकते हैं। देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड बाय ऑफ द कर्सर, ये लेफ्ट साइड कर्सर के लेफ्ट साइड किया जाता है इसको। फिर उसके बाद इंटर की, इंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, इंटर की का यूज हम क्या करते हैं, न्यू लाइन यानी दूसरी लाइन स्टार्ट करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की का यूज हम किसमें करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करने के लिए। जैसे देखिए यहां पर लिखा है आई एम ए बॉय, जिसमें क्या है, पूरा कैपिटल लेटर है, ये किससे होता है, कैप्स लॉक की से होता है। फिर डिलीट की है, तो द डिलीट की इज यूज टू लाइक इन एन इरेजर, वी यूज इट टू डिलीट और रिमूव अ लेटर और नंबर फ्रॉम द स्क्रीन। यानी डिलीट की का जो यूज होता है, तो किसी स्क्रीन में जो कोई भी नंबर लिखा है यानी कोई लेटर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, इरेज करने के लिए काम आता है हमारे, यानी उसको हम ना डिलीट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। यहां से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट में आपका राइटिंग सेक्शन दिया है, राइटिंग सेक्शन में आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में देयर आर डॉट डॉट अल्फाबेट कीज ऑन कीबोर्ड, तो अल्फाबेट्स में हमारे अल्फाबेट्स की कितनी होती है, 26 होती है कीबोर्ड में, तो हम किसमें, बी नंबर पर टिक करेंगे। ऑन द कीबोर्ड्स ऑन द स्पेस बार इन द, स्पेस बार क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है यानी सबसे बड़ी बटन होती है, तो हम एम ए टिक करेंगे। देन नेक्स्ट है आ कीबोर्ड है डॉट डॉट इंटर कीज, तो हमारे कीबोर्ड में दो इंटर कीज होती है, तो हम टू में क्लिक करेंगे, ठीक है, टू में टिक करेंगे। देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर में न्यूमेरिक होगा, सेकंड में इंटर होगा, थर्ड में टू होगा एंड फोर्थ में 26 होगा। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग में,
तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, मैच द फॉलोइंग में अल्फाबेट्स की है, सी में जाएगा, सेकंड नंबर ए में जाएगा, थर्ड नंबर ई में जाएगा, फोर्थ नंबर बी में जाएगा एंड फाइव नंबर डी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो है आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।